अभी ओबीसी साहब भी दौरे पर पहुंचे हुए हैं, और ओबीसी साहब की अगर बात की जाए तो ओबीसी साहब 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आपकी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 400 सीटें हम इस बार जीतेंगे, आपकी पार्टी को कितना इफेक्ट करेगा? क्योंकि ओबीसी ये कह रहे हैं कि MY फैक्टर इस बार नहीं चलेगा, एक्स ए टू जेड फैक्टर जो है वो इस बार वर्क करेगा। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई हुई है उसके तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। हमारी रणनीति है कि सपा का यूथ जीतेगा बूथ। हाँ। और हमारी यात्राएं चल रही हैं, और जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस है शिल्पा, वो जानना चाहती है कि किसानों की आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन उनके जो DAP और नाइट्रोजन की बोरी है उससे 5 किलो उसकी जो वजन है वो कम कर दिया गया, उसकी कीमत डेढ़ा कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश में अगर ICMR की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अगर खराब अगर जांच अगर कहीं रही, सबसे ज्यादा ICMR की रिपोर्ट है, चूंकि मनीष भाई जो BJP के दफ्तर से मिलता है वही पढ़ते हैं, सच पढ़ देंगे तो इनकी प्रवक्ता गिरी हटा दी जाएगी। मतलब हालांकि मैं इनसे चाहूंगा कि सच कहने की हिम्मत कर पाए, चूंकि दोस्त हैं, मैं जानता हूं ईमानदार हैं, सच चूंकि नहीं कह पाएंगे। समाजवादी पार्टी से पढ़ाई लिखाई की तुलना हम कैसे कर सकते हैं? दूसरी, अरे नहीं, अब पढ़ाई लिखाई में श्रेष्ठता आपको है ही, क्योंकि सारी आपके शीर्ष नेताओं से लेकर सारे नेताओं की डिग्री फर्जी है, तो पढ़ाई लिखाई में तो पढ़ाई लिखाई में स्वघोषित विद्वान है आप। और शिल्पा, जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल रहा है, तो 2000 समाजवादी पार्टी समर्थक कोई कंपटीशन नहीं है पढ़ाई लिखाई में, तमाम सारी जो कोई कोई कंपटीशन हमारा नहीं है सपा से, पार्टिसिपेट करने का लोकतांत्रिक सपा से कोई कंपटीशन हमारा पढ़ाई लिखाई में नहीं हो सकता, प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन समाजवादी भैया, हम आपसे कंपटीशन पढ़ाई लिखाई में नहीं करना चाहते। मनोज जी, खिसियानी दिल्ली, मनोज जी दिख रहे, हम अखिलेश यादव से लेके आप तक दोनों लोगों से पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन नहीं। जब इंजन की सरकार के ड्राइवरों को गांव में लोग खोज रहे हैं, कस्बों में खोज रहे हैं, नहीं नहीं, आप नहीं, नहीं, बोलो जी, नहीं आप विद्वान हो अखिलेश यादव जी, दो विद्वान है पूरे देश में, गए नहीं होंगे आप लोगों की तकलीफों से अगर जरा भी मरमाहत होते मनीष भाई तो आप BJP छोड़ देते, लेकिन क्या नहीं, करेंगे नहीं, जब आदमी का जमीन, अखिलेश यादव जी साइकिल लेके पूरे कोरोना काल में आजमगढ़ टहल रहे थे, किसी की भी आत्म, अखिलेश यादव जी पूरे कोरोना काल में आजमगढ़ जहाँ से सांसद हैं वहाँ साइकिल लेके टहल रहे थे, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। शिल्पा जी, आपने फोटो देखी थी कोई उनके घरों, आपने कोई कोई वीडियो देखा था? आपके कैमरे ने कभी कैच किया अखिलेश यादव को? एक जगह से सांसद है वो, पता है कहाँ से? शिल्पा जी, आजमगढ़ से, कोरोना काल में, कोरोना काल में एक दिन अपने संसदीय क्षेत्र जो व्यक्ति ले गया हो वो बात करता है सेवा की, वो बात करता है कोरोना काल में किसने सेवा की? अरे शर्मा नहीं चाहिए मनोज जी, आप पर मुकदमा हो जाएगी, तो अब तो लोग खोज रहे हैं, आप गांव में जाइए ना मनोज जी, जितने प्रभारी आप ला दीजिए, चलिए मनोज जी, सब तरह का प्रभार उत्तर प्रदेश 30 करोड़ जनता अब 2022 के चुनाव में छीन लेगी। ठीक काका साहब, आपने अपनी बात रखी, मनीष जी अपनी बात बोलेगा, फिर सचिन जी के पास हम चलते हैं। ठीक मनीष जी बोलेगा। बिल्कुल, देखिए शिल्पा जी, दो तीन चीजों का मुझे जवाब देना है। एक तो मैं ये मान लेता हूँ चैनल पे कि समाजवादी पार्टी से पढ़ाई लिखाई में BJP का कोई कंपटीशन नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, इसीलिए तो सारी डिग्रियां फर्जी हैं, आप पढ़ लिया कीजिए, मोदी जी आपको ध्यान में आ जाएगा। मनोज जी, आपने बोल लिया, आप सुन लीजिए, इसके बाद फिर चलेंगे आपके पास, वापस आएंगे समाजवादी पार्टी। मनोज जी, आप जवाब भी तो ले लीजिए, आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो जवाब भी तो सुनिए ना। समाजवादी पार्टी का विद्वता में कहां सामने कर पाएंगे? मनोज जी, आपने अपनी बात कह दी, आप सुन लीजिए मनीष जी को, उसके बाद फिर वापस मैं आपके पास लौटती हूँ, आपको पूरा मौका मिल गया। और जब आप कोई लड़ाई शुरू करते हैं, ठीक मनीष जी, आप अपनी बात रखिएगा। आजमगढ़ से श्री अखिलेश यादव सांसद हैं, वो वेब कोरोना की आई, ZUP ZNational किसी के कैमरे ने एक बार भी देखा हो अखिलेश यादव को आजमगढ़ के अपनी संसदीय क्षेत्र की एक जनता से मिलते हुए, सिंगल एक आदमी से मिलते हुए जाकर उसके दुख सुख दुख में हाथ बटाते हुए। अरे अखिलेश यादव ने तो वो पाप किया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में कहा कि मत लगवाइएगा, इनके एक विधायक ने कहा कि नपुंसक हो जाएंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे, इनके एक सांसद ने कहा कि वैक्सीन लगवाने की क्या आवश्यकता है, अल्लाह हिफाजत करेगा। ये बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने नौकरियां लूट ली नौजवानों की, एक जात के SDM बनाते थे, 4 जिलों में बिजली देते थे, किसानों के बीच में बिचौलिया थे समाजवादी पार्टी के लोग, हम तो DBT के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। इनके इनकी सरकार में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी बिचौलिया बनते थे, तब गेहूं और धान खरीदा जाता था,
गन्ना की पर्ची मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका कुशासन देखा है और पूरा समाजवादी पार्टी जाके मुख्तार अंसारी के परिवार के सामने घुटने टेककर फिर अपराधीकरण करेंगे, ये संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता मुख्तार अंसारी के चंगुल से बाहर आना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनकी कमर तोड़ दी है और फिर उनको खपच्ची लगा के खड़ा करने का काम ये अखिलेश यादव करना चाहते हैं। सही कह रहे हैं, अपराधियों के खपच्ची लगा रहे हैं फिर से मुख्तार अंसारी को। मनीष जी, आप मुख्यमंत्री चिल्लाइए ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी है तो सरकार मुख्तार चलाएंगे थोड़ी तो कर लिया। ठीक, चलिए मनीष जी, ठीक मनीष जी, मनोज काका साहब आपने अपनी बात रख ली।